परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि मान्दो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्विदम ज्यादेव्यो जिदमी व्याप्त के नदीशस्तवाभ्युप्रेद हमी त्वां सुरसंग्रहि सन्धि केचिन्नि प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंभा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च गन्धर्वयक्ष सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिशीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेन नवेरं महात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तरे जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरं त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भीता श्रीवेद्यम् च परं च धाम त्वया कृतं येष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पिता महास्ते सहस्रते नमः पुरस्तारथप्रेष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तरीयानेकैकमस्त्व सर्वं समाप्तो हिततो सभेति मात्वा सभं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहि मानमलेदं मया स्वाशक्तिदोषी इहाया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युत समक्षं तच्छामयित्वा लोकस्य सरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तवोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशवीर्यं सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसो हमेव माताचरिता तमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ तीसरा अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमार्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामेष्येनेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चेत्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नभ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां
कर्म योगेन योगिनां न कर्मणां नारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नोति न स सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यहास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियाम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रा पृच्छते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मोक्षसङ्गः समाचर सह यज्ञः प्रजाः सेष्ट्वा पुरोवाच प्रजापते अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोऽश्रेष्ठकामधो सह यज्ञः प्रजाः सेष्ट्वा पुरोवाच प्रजापते अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोऽश्रेष्ठकामधो वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण हरे शरणम्।
राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुब्बदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 1 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम हमारा जो लोक का संबंध है ये संबंध रहने वाला नहीं है। जैसे शरीर का अपना संबंध पहले था नहीं और फिर रहेगा नहीं, और वर्तमान में भी संबंध विच्छेद हो रहा है निरंतर। संसार के जितने संबंध है अवश्य विषया बहुत समय तक रहेंगे, तो एक दिन तो वियोग जरूर होगा। वियोग होने में अगर हम वियोग कर देते हैं तो एक उनका वियोग भी वियोग कर देते हैं, तो हम तो संयोग चाहते हैं और वे वियोग कर देते हैं तो संताप होता, और हम अगर त्याग देते हैं तो बड़ी शांति रहती है। तो एक मार्मिक बात है, स्वयं जो आप हैं, स्वयं और स्वयं आप से ये शरीर इंद्रियां मन बुद्धि दूसरी दृष्टि में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये शरीर आपसे अलग हो रहे हैं, निरंतर अलग हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति के कार्य हैं, और प्रकृति है नित्य निरंतर, ये परिवर्तनशील है। हरदम परिवर्तन प्रकृति का होता ही रहता, बदलती ही रहती है, और जो स्वयं आप है वो बदलते नहीं है। तो इन शरीरों का और आपका संबंध है ये नित्य संबंध नहीं है, और अनित्य भी संबंध नहीं है, आपने संबंध माना है। संबंध दृष्ट होता है, संबंध दो में होता है, तो दोनों का संबंध होता है। ऐसे माँ का बेटे का संबंध है, भाई का संबंध है, स्त्री पुरुष का संबंध है, दो मित्रों का संबंध है, तो दोनों बरोबर होते हैं वो संबंध होता है, इनमें दोनों बरोबर नहीं है। आप तो नित्य है और शरीर सब अनित्य है। आप तो है जैसे के तैसे रहते हैं और शरीर है ये निरंतर व्युत होते रहते हैं। मनुष्यों की एक धारणा है कि हम जी रहे हैं, ये जो धारणा है ये गलत है। जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, मानो शरीरों का वियोग हो रहा है, नित्य निरंतर हमारे शरीरों से हमारा वियोग हो रहा है नित्य निरंतर। तो ये पहले हमारे साथ शरीर नहीं था और फिर नहीं रहेगा, और वर्तमान के समय में भी जा रहा है। जितनी उम्र आ गई है हम इतने जी गए ये कहना है
झूठा है, असत्य है, इतनी उम्र चली गई है, इतने मर गए हैं, अब बाकी कितना रहा है इसका पता नहीं, परंतु वो नित्य निरंतर मर रहा है। ये मरते मरते पूरा मर जाएगा तो प्राण छूट जाएंगे। जितने वर्ष आए उतने तुम मर गए, नित्य जरूरी बात है, एकदम सच्ची पक्की बात है। और बाकी ये वो मर रहा है, बातें हम कर रहे हैं, सुना रहे हैं, अब सुन रहे हैं, पर मरने की चाल निरंतर चल रही है। वचन तो हम बोलते हैं, चुप हो जाते हैं, फिर बताते हैं, सत्संग करते हैं, छूट जाते हैं, परंतु हमारे से संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है। आप जागृत में रहे, स्वप्न में रहे, सुषुप्ति में रहे, समाधि में रहे, मूर्छा में रहे, किसी अवस्था में रहे, ये वियोग निरंतर हो रहा है। अब निरंतर वियोग हो रहा है, और वियोग होता ही होगा ही, तो हम संयोग चाहते रहेंगे। वियोग होता अतुल परिताप आय मनसा, मन को संताप होगा, जलन होगी, रोना होगा, दुख होगा। अगर जाने वालों को अब हम अपनी तरफ से ही छोड़ दें, त्याग कर दें, तो बड़ा आनंद रहेगा। दोनों रागी होते हैं तो दोनों रागी होते हैं वहाँ लड़ाई होती है, अगर दोनों विरक्त होते हैं वहाँ बड़ा प्रेम होता है, वहाँ लड़ाई नहीं होती। तो संसार तो आपसे विरक्त है, आप राग करते हैं कि हमारा शरीर बना रहे, संसार बना रहे, कुटुम्बी बने रहे, धन बना रहे, अवस्था बनी रहे, शरीर बना रहे, ये आप चाहते हैं बना रहे, और ये चाहते नहीं बने रहे, ये तो जा रहे हैं, निरंतर जा रहे हैं, निरंतर। तो ये जा रहे हैं, इनको तो दुख नहीं होगी, वो तो जा ही रहे हैं, वियोग हो रहा है। आप चाह रहे हैं कि वियोग न हो तो अब दुख होगा, तो दुख कैसे मिटे, सब दुखों का नाश कैसे हो, ये जाने वालों को अभी छुट्टी दे दे, अभी त्याग कर दे, कि अभी मर जाए, मर जाने, मरने से त्याग नहीं होता है, मरा तो परवश उग्र होता है, परवश में त्याग नहीं होता है, वो छूटता है, ये छूटता है, अब छोड़ते नहीं है, त्याग हम संबंध विच्छेद कर दे, सब शरीरों ने संबंध विच्छेद हो रहा है, शरीर तो विच्छेद कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से अपने विवेक से इनको अपना न माने, क्योंकि शरीर मिला हुआ है, मिली हुई चीज साथ रहने वाली नहीं होती, मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है, तो मिला हुआ और बिछड़ने वाला है उसको अपनी तरफ से त्याग दे। स्वयं त्यक्ता ये थे सब सुख अनंतम विदधति, अनंत सुख होगा, बड़ी शांति आनंद होगा। तो शरीरों को अपना न माने, ये शरीर तीनों ही प्रकृति के हैं, ऐसे विचार किया जाए तो ये स्थूल शरीर है ना, ये संसार का है, संसार की दृष्टि से, जगत की दृष्टि से ये संसार का, जगत का है शरीर तीनों ही, अध्यात्म दृष्टि से ये केवल मायामय है, आपके साथ नहीं, आप तो नित्य है, ये अनित्य है, मायामय है, और भक्ति की दृष्टि से ये संसार सब भगवान का है, और जन्म मरण की दृष्टि से अपना है। अगर आपको योगी होना है तो संसार का माने, आपको ज्ञानी होना है तो मायामय माने, आपको भक्त होता होना है तो भगवान का माने, और आपको जन्म मरने जाना है तो अपना माने, ये चारों बातें खुली है, आपके अधीन है, आपके माने का अधीन है। तो जगत की दृष्टि से तो ये जगत का है,
और आत्म दृष्टि स्वयं की अध्यात्म दृष्टि से ये जगत माया मय अपना है ही नहीं, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सब, और भक्ति की दृष्टि से सब कुछ भगवान का है। तो मालिक तो है भगवान और कारण है प्रकृति और कार्य है जगत। जगत के साथ इसकी अभिन्नता है और प्रकृति से कार्य है, प्रकृति मिल जाएगा परिवर्तन होंगे। और भक्ति की दृष्टि से प्रकृति परमात्मा के तो मालिक भगवान है, तो चाहे तो मालिक को दे दो मन से, चाहे क्रिया से जगत को दे दो, चाहे विचार से प्रकृति को दे दो, विचार विवेक पूर्वक प्रकृति को दे दो, और उपकार करते हुए कर्मयोग की दृष्टि से संसार को दे दो, और भक्ति की दृष्टि से भगवान को दे दो, क्यों इनका है ये, भगवान का है ये। भगवान ने कहा है भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि वच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति दृष्टता। ये आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति, अपरायम ये अपरा प्रकृति है। इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, इससे दूसरी अन्य परा प्रकृति जीव भूताम जो जीव रूप है वो है परमात्मा की प्रकृति परा प्रकृति। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, यहाँ परा प्रकृति जीव भूता मावा जीव भूता ये परात्मा परमात्मा की परा उत्कृष्ट श्रेष्ठ चेतन प्रकृति है, और ये अपरा जड़ प्रकृति अष्टभेदों वाली। तो ये अपने नहीं है, इसके साथ जो संबंध है हमारा ये अविवेक पूर्वक है। अविवेक पूर्वक संबंध होता है वो विवेक से नष्ट हो जाता है, विवेक का आदर करने से नष्ट हो जाता है। तो विवेक है मानो ये जड़े आप चेतन है तो ये आपका नहीं है। तो अविवेक पूर्व संबंध का त्याग करना मनुष्य के हाथ की बात है। अविवेक पूर्व त्याग करने में आप स्वतंत्र हैं, और अविवेक पूर्व संबंध का त्याग करने में आप समर्थ हैं, और अविवेक पूर्व संबंध का त्याग वर्तमान की वस्तु है। त्याग और जो ग्रहण है, संबंध का विच्छेद करना संबंध मानना ये तात्कालिक होता है, इसमें समय नहीं लगता है। एक ने चीज दी दूसरे ने ली, एक ने ले ली एक ने छोड़ दी, तो छोड़ना धीरे धीरे नहीं होता है, ये तत्काल होता है। छोड़ने में आप समर्थ हैं और छोड़ने में आप स्वतंत्र हैं, इसमें स्वतंत्रता नहीं है। और छोड़ना होता है तत्काल तत्काल। तो अविवेक पूर्व संबंध है विवेक पूर्व, विवेक से छूट जाता है। तो शरीर के साथ मैं और मेरापन है ये अविवेक से है। इस शरीर के साथ मेरापन पहले था नहीं और फिर रहेगा नहीं और रह सकता नहीं, और वियोग निरंतर हो रहा है। जैसे बालपना था उसको अब मैं बालक हूँ ऐसा कहते थे, वो बालकपना छूट गया, आपने छोड़ा नहीं। ऐसे जवानी को छोड़ नहीं छूट जाएगी, वृद्धावस्था को छोड़ नहीं छूट जाएगी, और शरीर भी छोड़ते नहीं छूट जाएगा। पर छूट जाने से दुख होता है और छोड़ जाने से आनंद होता है। एक को तो रोटी मिले नहीं और एक उपवास रोटी खावे नहीं, दोनों भूखे हैं पर दोनों में बड़ा भारी फर्क है। रोटी मिलती नहीं तो दुखी होता है, और एकादशी व्रत कर या न करने से प्रसन्नता होती है। अवस्था एक ही है, भूख है उसने नहीं खाया,
परंतु परवशता से वियोग होता है, उसमें दुख होता है। रोटी मिली नहीं, क्या करें, घबराता है। और आज खाते नहीं, आज एकादशी व्रत कर लिया, भोजन नहीं करते। एक दरिद्री है, एक त्यागी है। दरिद्री की और त्यागी की अवस्था एक समान है। त्यागी के पैरों में जूती नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, अंतिम दाम नहीं है। और बृगत के भी जूती नहीं है, छाता भी नहीं है, कपड़े भी फटे हुए हैं, तो दाम भी नहीं है। परंतु जो दरिद्र है वो दुखी है, और बृगत है वो महान सुखी है। रुपये पैसे वाला है खूब, उससे भी सुखी है बृगत है वो। रुपये पैसे वाले की चिंता है, उसकी चिंता ही नहीं है, सुखी शांत शेते विगत भव भीत नृप। भयभीत नहीं है, भय से नहीं तो पर सुखी शांत आनंद में, कोई चिंता नहीं। धनी आदमी की बहुत चिंता है, तो दरिद्री के धनी के दोनों को चिंता है। दरिद्री तो धन मिलता नहीं, इस पर चिंता है, वो धन रख सकता नहीं, इस पर चिंता है। उसको तो मिलता नहीं, ये चिंता है, उसको रख नहीं सकता धन उसको साथ में। मरे तो भी यहाँ छोड़ना पड़ता है, साथ ले जा सकता नहीं। एक बात याद आ गई, यहाँ वृंदावन में हंसदास जी महाराज बड़े संत थे। हम पहले आए 90 साल में, जब यही थे वो अच्छे संत थे। लोग कहते हैं श्री जी के दर्शन हुए थे उनको, अच्छे महात्मा थे हंसदास जी महाराज। धोबी गली में वहां मकान है आपका, तो वे संत कहते थे कि यहाँ एक वृंदावन में गली के ऊपर बैठा हुआ पैसा मांगता था, और जिसे पैसा मांगना, पैसा इकट्ठा कर लिया उसने, तो इकट्ठा करके पैसे कर लिए, पैसों से कर लिए रुपये, और रुपये से कर ली मोरे, दो चार पांच मोहरे थी पास में। अरे किसी को पता नहीं था, मांगता था पैसा, वो हो गया बीमार। बीमार हो गया तो बीमारी बढ़ती गई, लोगों ने पत्र दिया, सेवा करी, पूछा क्या चाहता है, उसने कहा कि हमारे को हलवा ला दो, हलवा खाने के मन में है। तो कहा भी खिला दो, ये जीने वाला तो है नहीं, हलवे की मन में रह जाएगी। तो हलवा कर लाकर दे दिया, तो ले आप जाओ, चले गए। तो वे हलवे में लपेट लपेट करके मारे खा गया और मर गया। मरने के बाद उसको कपड़ा दे करके स्नान और कराया, उस ले जाकर के दाह क्रिया कर दी। दूसरे तीसरे दिन जाते हैं तो वो सोना पड़ा हुआ दिखा। सोना ये कहाँ से आया भाई? तो विचार किया उसमें वो धरती में वही सोना पड़ा हुआ था। तो ये विचार किया कि ये खा गया, तो सोना तो पचे तो बढ़ गया, सब सही तो बढ़ गया, सोना थोड़ा बढ़ता है, सोना तो बढ़ा नहीं, वो रह गया। तो अटकल लगाएगी यही बात है, पैसा रुपये का सोना करके अब साथ में चलता नहीं, दे किसको, मांग मांग रहे इकट्ठा किया बरसों तक, अब कैसे दिया जाए। आ गया तो कहा कि क्या किया जाए, तो कहते हैं इसका भंडारा कर दो, ठाकुर जी की भोग लगा दो, संतों को भोजन करा दो। इसके अनुसार क्रिया की गई, सामान मंगाया गया, संतों को निमंत्रण दे दिया, और वो सब शीरा पूरी साग बना गया। अब भोजन कराने के लिए तो ठाकुर जी लगाए, फिर पंगत बैठ गई, पंगत बरसने लगे, तो जैसे मुर्दा जलता और दुर्गंधी आवे, वैसी दुर्गंधी आई शोभे में, शीरे में, हलवा पूरी में।
एकदम मृत जल आ जाएगा, वो खाया जाए किसी से नहीं, वही हीरे खा सकते। महान मुर्दे के जलने की दुर्गंध आ रही है, उठे चले गए तो संतों ने कहा भाई ये ठाकुर जी का अर्पण नहीं हुआ, ये ठाकुर जी भोग नहीं लगा, ये था शुद्ध महान अपवित्र है। साधु भूखे ही चले गए, काम नहीं आया। तो ये जो इसमें ममता रहती है वो मेरा पना इतना अशुद्ध होता है, मेरी मोहरे है, मरने के बाद भी उसमें गंदगी रही, उसके खरीदे हुए अन्न में गंदगी होगी। अपनापन न छोड़ने से वो इतना गंदा होता है, और अपनापन छोड़ने से धनी आदि मरते ही है, वो थोड़ी मोरे खा जाते हैं वो, और अपनापन न रखने से मुक्त हो जाता है, और अपनापन रखने से एक विलक्षण बात होती है, मर जाते हैं उनकी हड्डियां जल जाती है, उन हड्डियों को गंगा जी में डालते हैं तो उसका कल्याण होता है, मुक्ति होती है। मरने पर हड्डियां जलाने पर कोला होने पर भी अपनापन नहीं छूटता, नहीं तो उन हड्डियों से कल्याण कैसे हो। तो बिना छोड़े मर्या छूट जाए आप साहब तो छूट नहीं सकता है, और अपने रहते हुए छोड़ दे तो विदेह हो जाए, महाराजा जनक विदेह का वाला है, देह रहते हुए भी देह अपना ही नहीं, तो देह रहते हुए ही देह से रहित होना है, ये मनुष्य का कर्तव्य है। तो विवेक पूर्वक शरीर से अपना संबंध विच्छेद कर रहे, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, अपना है ही नहीं। अगर ये अपने अनुभव कर ले, सीखने की बात तो आती है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, सिर्फ पांच भूतों का है, ऐसे सीखने में तो आती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता सीखने से, अनुभव हो जाए तो निहाल हो जाए, अपना नहीं है शरीर, क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील। तो सहन त्यक्ता येते सम सुखम अनंतम विदधति, अपने स्वयं त्याग महान शांति और आनंद होगा, मौज हो जाएगी। तो इसको अपने जान करके अपने से ही त्याग कर दे, ये बात। अब इसमें शंका हो तो बोलो, कोई संदेह हो तो बोलो। अभी त्याग कर दो, अभी शांति, अभी तत्व ज्ञान, अभी जीवन मुक्ति, अभी विदेह केवल, मरने में विदेह केवल कहते हैं, जीते हो जीवन मुक्ति कहलाती है, जीते हो मुक्त हो जीवन मुक्त, शरीर छूटे विदेह केवल, हम कहते हैं जीते ही विदेह केवल हो गया, देह शरीर हो गया, अब देह रहे तो क्या चला जाए, तो क्या अपने समझ पीछे हो गया। नारायण नारायण नारायण।